नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भारत लाइव में। खबर जो आप तक पहुंचनी जरूरी थी उसे लेकर के हाजिर हुए हैं। जैसा कि हमने खबरों के माध्यम से बताया था, रात के 3 बजे भोर में एक खबर आई थी आरजेडी खेमे से, जिस खबर को हमने आप तक रखा था। हमने आपको बताया था कि किस तरह से रात भर चुनावी समीकरण गढ़े जा रहे हैं, खेल चल रहा है और कब खेल बदल जाए ये भी बड़ा मुश्किल लग रहा है। इसी तरह का एक खेल हुआ था कि रात के अंधेरे में रीतलाल राय, जी हां रीतलाल यादव को टिकट मिला था उनकी पत्नी के नाम से दानापुर में। सिंबल लेकर के पति पत्नी दोनों की फोटो तस्वीरें आई थी और हमारे रिपोर्टर्स ने वहां से निकलते हुए उनकी तस्वीरें आपके साथ साझा की थी। आपने देखा था कि किस तरह से रात के अंधेरे में ये गेम हो चुका था। लगातार कहा जा रहा था कि वहां से करिश्मा यादव जीतेंगी, करिश्मा राय चुनाव लड़ेंगी, या हो सकता है कि और भी किसी को लड़ाया जा सकता है चुनाव। यहां तक बात आई थी कि हो सकता है कि तेज प्रताप यादव ही वहां से चुनाव लड़े। ये सारी प्रक्रिया और सारे कयास फेल हुए तब जब रीतलाल यादव वहां से टिकट लेने में सफल हो गए थे। कहा यह जा रहा था कि उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़ेंगी और एक महिला के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हुई थी। हमने भी खबरों के माध्यम से चलाया था, हमने बात करने का भी प्रयास किया था कि आखिर इसमें सत्यता क्या है। लेकिन आपको हमने एक बात नहीं बताया था और वो ये था कि अभी भी खेल चल रहा है, क्योंकि लगातार उस पूरे माहौल में एक बात लगातार की जा रही थी कि अभी तक संतुष्ट नहीं है रीतलाल, वो खुद चाहते हैं चुनाव लड़ना। और अब आपको जो खबर आपके सामने हम बता रहे हैं कि दानापुर का समीकरण पूरी तरह से बदल गया है और रीतलाल राय अपने उस काम में सफल हो गए हैं जो वो लगातार करना चाहते थे। रीतलाल राय के बारे में आपको पता है कि आज से 1.5-2 महीना पहले वो जेल से बाहर आए हैं जमानत पे। लगातार एमएलसी तो है ही, इसके साथ ही लगातार वो एक बात कर रहे थे कि वो चाहते हैं कि चुनावी रण में उतरकर दानापुर की जनता का वो सेवा करें। वो चाहते हैं कि वो जमीनी जुड़ाव के साथ रहें और जनता जितना उनसे प्यार करती है या जनता के प्रति उनका जो सम्मान है उसका वो रिटर्न करना चाहते हैं और इसके लिए वो चुनाव लड़ करके दानापुर की जनता के सामने रहना चाहते हैं। अब जबकि आपके सामने हम हाजिर हैं तो यह खबर पुष्ट हो चुकी है कि रीतलाल राय ने अपने नाम से सिंबल लेने के लिए मना लिया है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को। और अब आपको यह देखने को मिलेगा कि रीतलाल के जगह पर कोई और नहीं बल्कि रीतलाल राय खुद चुनाव लड़ेंगे और यह खबर अब तक की सबसे बड़ी खबर है और एक बाहुबली का और एंट्री हो गया है आरजेडी में। आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और जीत हार के आंकड़े ऐसे ही बढ़ते हैं। हालांकि जब बात होती है तो बाहुबलियों की तो कोई भी ऐसा दल नहीं है जो इससे अछूता हो। अब ये चुनावी संस्कृति का और लोकतंत्र का एक अंग बन चुके हैं। सबको मौका मिलना चाहिए रीतलाल राय अपने आप को बदलने का और जनसेवा के लिए तैयार करने का शपथ भी ले चुके हैं। कई बार उन्होंने हमारे भी कैमरे से ये बातें कही है कि उन्हें तो राजनीतिक लोगों ने झूठ मूठ का फंसाया है, वो तो एक सामान्य सा व्यक्ति हैं, जनसेवा करना चाहते हैं और यही उनका आगे जीवन का उद्देश्य भी है। तो देखना होगा कि कितना ज़्यादा आशा सिन्हा को कॉन्टेस्ट दे पाते हैं या और भी दानापुर में जो उम्मीदवार खड़े हैं इस सोच के साथ कि वही विधायक बनेंगे रीतलाल राय उन पर कितना भारी पड़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि आरजेडी से खुद रीतलाल राय अपने नाम से सिंबल लेने में सफल हो गए हैं। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला यहाँ जो लगातार जारी है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।